नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज आपकी 16 जनवरी 2024 है और कल आपकी है 17 जनवरी 2024। तो जैसा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में 17 जनवरी 2024 को सीबीआई को अंतिम रूप से जो कुछ कॉलेज बचे हुए थे जिसके लिए सीबीआई ने करीब एक माह का समय मांग रही थी, तो उसके लिए समय को घटा करके 17 जनवरी 2024 का समय दिया गया था। और जो मामले हैं उसमें लगभग सभी मामले, 50 से ऊपर मामले, जो भी नर्सिंग के विभिन्न मामले हैं, उसमें आपका पीएनएसटी 2022 रिजल्ट का मामला भी ऐड है। तो न्यायालय ने एक प्रकार से कड़े शब्दों में कहा था कि यदि 2 सप्ताह के अंदर सीबीआई अपनी अंतिम रिपोर्ट, जो भी कॉलेज शेष बचे हैं उनकी जांच करके और रिपोर्ट पेश नहीं करती है, तो जो भी नर्सिंग के मामले हैं उनमें उनको हम जो है वो निराकरण का कर देंगे, उनमें जो भी ग्रांट मांगी गई है उन ग्रांट पर हम विचार करके, और ग्रांट देने योग्य है तो हम ग्रांट दे देंगे। तो बच्चियां भाई पूछती रहती हैं कि सर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कन्फर्म बताइए। तो आज की डेट में हम कोई कन्फर्म बात करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि मामला न्यायालय में है और जो भी डेट मिल रही हैं उसी डेट के आधार पर हम आपसे बातें करते हैं। तो 17 जनवरी 2024 डेट है अपनी, और इस डेट में यदि सीबीआई द्वारा जो नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच की जा रही है, तो यदि जांच में जो कॉलेज शेष बचे हैं उन कॉलेज की जांच भी पेश कर दी जाती है, तो शीघ्र ही आपका जो भी नर्सिंग के केस हैं, बहुत सारे केस हैं 50 के ऊपर जैसे हमने बताया आपको, तो इन मामलों का भी निराकरण हो जाएगा। तो यही आशा करते हैं कि कल सीबीआई जो है वो अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर दे, जो भी कॉलेज शेष बचे हुए हैं उनकी जांच रिपोर्ट भी पेश कर दे, ताकि जो बच्चियां परेशान हैं, नर्सिंग क्षेत्र की बच्चियां काफ़ी परेशान हैं इस जांच के चलते, जो है नई आपकी नेक्स्ट जो है नर्सिंग के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके आपके रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा परेशान हैं आपकी जो आपकी बीएससी नर्सिंग कर रही हैं बच्चियाँ, उनके तो कई सेमेस्टरों से एग्ज़ाम रुके हुए हैं। तो इस वर्ष यही अनुरोध है कि जो भी हो पॉजिटिव हो, कल 17 जनवरी है और कल हमारे लिए एक जो है वो एक अच्छी खुशखबरी आए, और शीघ्र ही हमारे जो मामले हैं जिनके कारण से काफ़ी विलम्ब हो रहा है उन मामलों का भी निराकरण हो सके। तो मैं आरके सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, आप लोगों से विदाई लेता हूँ अगले वीडियो तक। और सर्दी बहुत है अभी, कम से कम 8 से 10 दिन सर्दी और रहेगी, तो सर्दी से अपने आप को सुरक्षित रखें। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो घूमने ना जाएं जब तक धूप ना निकले, क्योंकि उनके लिए जो है वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ख़तरनाक माहौल है, ये ख़तरनाक मौसम है ये। तो आज इतना ही, जैसे ही कोई अपडेट मिलता है कल 17 जनवरी, तो जैसे ही कोई अच्छी सूचना मिलती है तो फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।